हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसन के बिल्कुल नए तरीके की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितनी अमेजिंग बनी है हमारी सब्ज़ी, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी। एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही आसान तरीके से हमने शेयर किया है। बेसन की सब्ज़ी तो हर किसी के घर में बनाई जाने वाली रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं 3 बड़ी साइज़ का अनियन ली हूँ, क्योंकि आज मैं अनियन की ग्रेवी बनाने वाली हूँ। और 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल में इन्हें आप फ्राई कर लें। और मैं अब ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च की कुटी हुई। अगर पॉसिबल हो ना तो इसे कूट कर ही दें, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पेस्ट ना यूज करें, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आने वाला है। तो देखिए यहाँ प्याज गोल्डन होने लग गया है, और अभी हमें इसमें कुछ मसाले ऐड कर दें, बेसिक मसाले जैसे नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून भरकर किचन किंग मसाला। जो भी आपके पास सब्जी मसाला हो वो आप डाल दें, नहीं तो आप फिर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दें। और इसके साथ ही 1/4 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करी हूँ। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक आप भून लें, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दें 1 बड़े कप, और 3-4 सीटी लगने तक इसे कुक करें। जब तक कुकर में सीटी लग रहा है, जब तक यहाँ मैं डो तैयार कर लेती हूँ बेसन की। तो यहाँ पे मैं 1 बॉल बेसन लें, उसे छान कर लें, साथ ही 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून वही लहसुन अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई, साथ ही 1/2 टेबल स्पून आप इसमें घी ऐड कर दें, और सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक आपको इसे मिलाने में लग जाएगा। उसके साथ ही अब मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी डालकर बिल्कुल नॉर्मल डो लगा लूँगी। पानी बहुत ही कम लगता है बेसन में, तो आप इसमें थोड़े थोड़े ही पानी का इसी तरह छीटी लगाते हुए पानी डालें, और फिर इसका डो तैयार कर लें। डो हमें हार्ड नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम चपाती के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह डो लगा कर तैयार कर लें। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि एक साथ आप ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, नहीं तो डो आपकी बिल्कुल ही गीली हो जाएगी। तो चलिए जब तक डो तैयार हो रहा है, जब तक आप फटाफट से हमारे इस वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है यह हमें ज़रूर बताएँ। तो देखिए बातों में हमारी डो तैयार हो गई है, और इसे थोड़ा सा सिलेंडर शेप दे दें। और देखिए अभी मैं किस शेप का बनाती हूँ, बस इस तरह थोड़े थोड़े से पोर्शन डो से तोड़ते जाएं, और तैयार हो गई हमारी इस तरह से बिल्कुल अनोखी सब्जी बेसन की। तो इसी तरह सारे तैयार कर लें और उसके बाद फ्राई कर लें। आप इसे गोल्डन फ्राई करने के बाद भी इंजॉय कर सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है ना कि बच्चे का ध्यान अगर चला गया इस पकौड़े पर तो फिर बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे, इतनी टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सारे बैच को आप तैयार कर लें। उसके साथ ही यहाँ देखिए 3 से 4 सीटी लगने के बाद कुकर ठंडा हो चुका था। अब मैं इसे फिर से गैस पर रखती हूँ, बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखें, और इसमें जितना भी पानी है उसे ड्राई होने तक आप इसे भूनें। प्याज को इस तरह चलाएं कि वह थोड़ा मैश भी होते जाए, आप बिल्कुल देख रहे हैं ना वीडियो में, बिल्कुल उसी तरह। जब प्याज पूरी तरीके से मैश हो जाए तो फिर उसमें हम ऐड कर देंगे गर्म पानी, जिस कंसिस्टेंसी की आपको ग्रेवी चाहिए उतनी गर्म पानी ऐड कर लें। थोड़ी सी पानी ज़्यादा ही रखें, और पानी डालने के साथ ही यहाँ मैं 1/4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड करी हूँ, जिससे थोड़ी खटास भी आए, और थोड़े से गरम मसाला, क्योंकि लास्ट में आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा गरम मसाला का आएगा। और ग्रेवी में उबाल आ चुकी थी, तो अब मैं इसमें पकौड़े ऐड कर दी हूँ, और इसे 5 मिनट तक आप बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं। और लीजिए तैयार हो गई हमारी बेसन की बिल्कुल अनोखी सब्जी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे इस रेसिपी को खूब सारा प्यार दें। जल्दी मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।